स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। आज है रविवार का दिन, तो आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। दिन के बज रहे हैं लगभग 11। 3 दिन की छुट्टी कैसे बीत गई पता ही नहीं चला, और ये हमारा मेन चौराहा है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी हमने डाई करवाया है, कलर करवाया है, एक्चुअली थोड़ा वो सफेद हो गया था बाल। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाँ। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दूध लेने। एक्चुअल में हमारे गांव में एक दूध की समस्या, एक पानी की समस्या, हाँ। दो बहुत बड़ी समस्या है बेटा। हाँ। तो दूध लेने हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? हाँ, जा रही है मौसी के यहाँ। और हम लोग हम जा रहे हैं अपने बड़ी बहन के यहाँ। तो चलिए बड़ी बात है कि हम लोग आज जो कलर कराए हैं, हाँ। उसको सुखाने का भी, हाँ। डाई जो कही है, हाँ। उसको सुखाने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। हाँ। तो कम से कम मोटरसाइकिल से चलेंगे, हाँ। और हम लोग का कलर सूख भी जाएगा, हाँ। है ठीक, हाँ। है ना? हाँ, हाँ। जा रहे हैं, और बाल मेरा हमारा कलर है, तो धीरे धीरे कलर कलर भी सूख रहा है। देखिए कल उसी तरह हम लड़ गए, कल रात में आ रहे थे तो दिख रही नहीं, और उन्हीं में लड़ गई थी, घुस गई थी। तो घर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर नहाते हैं, जैसे कलर हुआ उसके बाद फिर खाना खाएंगे, फिर आगे का जो संडे का जो भी ब्लॉक है आपको पहुँचाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? जनकिया से फोन कैली, कहता हम बैठल रहे, कोई बात नेता लगौली, कहता कि हम का बेटी हो गई जाम मीटिंग में, हम कहीं जा सकू मीटिंग में, लल्लू के यहाँ कैली, लल्लू महारा प्रधान आज हसबई करी, कैसे संजय रहल जी ओके हाथ के चांस मिली जौन पैसा वह पैसा करा समझदारी से फिर बात ना जीती है ठीक बात मना है हाथी मना आज टास्क खिलाई हुई है आओ आप जल्दी तो शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। धीरे धीरे ये दिन
और ये छुट्टी हमारी आज खत्म हुई। अभी जा रहे हैं थोड़ा सा अपने खेत पे, देखते हैं कोई सब्जी हो तो सब्जी ले लेते हैं, इसलिए कि घर में अगर सब्जी है तो बाहर से खरीदने की कोई जरूरत है नहीं। खेत का और कह लीजिए गांव का यही फायदा है, गांव की यही दिनचर्या है, यही समय है। सूरज धीरे धीरे अस्त होने का समय हो गया है और ये पूरे खेत अब खाली हो रहे हैं। इधर भी गेट खाली हो गया है, इधर जो भी बोया गया था ये चना वो कट करके इस खेत में आ गया है, यहाँ पे आ गया है। अब इसको इसकी दौरी होगी, इसको हम लोग अपनी भाषा में दौरी कहते हैं। तो और इसमें मूंग और एक और दाल कोई दो मूंग और ये क्या कहते हैं उड़द, मूंग और उड़द की इसमें बुआई की गई है इस खेत में और इस खेत में। तो लगभग लगभग धीरे धीरे अब खेत खाली हो रहा है। अब जो भी खेती होगी बारिश होने के बाद, यानी आपके कह लीजिए जून जुलाई में जब बारिश होती है तो उसके बाद फिर वो धान की खेती होती है, तब तक खेत खाली रहेगा। लेकिन कुछ जगहों पे इसकी बोई हुई है। इधर देखिए गेहूं कटने लगा है, गेहूं कट करके आ गया है खेत में। तो धीरे कटा था गेहूं हाँ इस सब में कुछ बोले है का उजी मूंग एमए और उम्मे अरु वाले में उजी है बिनौती आरी। हाँ और का हो गई तो बार को बेच गया। हाँ कबारे के लोग बेचबे करा ना, फिर दोबारा होती है फिर कबार को बेच दिया। हाँ बात वही में जीवन भर रहा था तो कीड़ा खावे के लिए देखा जी पतवा पूरा कीड़ा खा ले। तो चलिए खेत में चलते हैं, देखते हैं कौन सी सब्जी है। वैसे सब्जी में फिलहाल अभी फिलहाल कुछ है नहीं, गर्मी के सीजन का जो भी खेत में सब्जी बोई जाती है अभी बो दी गई है, अभी पैदा हो नहीं रहा है। थोड़ा बहुत धनिया है और इधर लहसुन है, लहसुन कुछ लोगों का पक गया है कुछ लोगों का पक रहा है। तो थोड़ा बहुत पालक है, जो पालक गर्मियों में लगाया गया था तो वो पालक है, तो पालक ले चलते हैं। और थोड़ा बहुत बैगन है तो उस सब्जी को लेके चलेंगे। सब्जी क्या कहा जाए, साग कहा जाए उसको। लग गया इसमें तो थोड़ा बहुत धनिया भी ले लेते हैं, धनिया भी हो गया है, ये भी हो गया है, हल्का सा बैगन ले लिए हैं, थोड़ा बैगन ले लिए, थोड़ा पालक ले लिए हैं। तो दोनों चीज को मिलाकर के आज बनाएंगे, कल बनेगा सुबह मॉर्निंग में। और थोड़ा बहुत अब रहर भी बचा, वैसे रहर पूरी तरह से लगभग लगभग कट चुका है, हल्की फुल्की रहर बची हुई है, मुश्किल से मुश्किल 10-20 किलो और रहर निकलेगी। तो इस बार रहर भी खाने के लिए हो जाए, रहर नहीं खरीदना पड़ेगा, रहर की दाल, और प्याज भी नहीं खरीदना पड़ेगा, लहसुन नहीं खरीदना पड़ेगा। तो खेती का यही फायदा है। तो फिलहाल आज की दिनचर्या यही खत्म होती है और ये छोटा सा ब्लॉग था आपके साथ कंटिन्यू बने रखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।